आज हम आप लोगों को एक नए अध्याय के बारे में बताएंगे। और आज इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और ये सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि पूरे विश्व भर में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना कहाँ हुई है। और अगर आप इसका उत्तर जानते हो तो निश्चित रूप से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि पूरे विश्व भर में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हमारे ही बिहार राज्य के वैशाली नामक स्थान से हुई है। और वर्तमान समय में हम लोग लोकतंत्र की एक विशाल श्रृंखला में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे विश्व भर में लोकतंत्र के महत्व को लोग अब समझना शुरू किए हैं। और पूरे विश्व को अगर बात करें कि लोकतंत्र की पाठ पढ़ाने वाला या लोकतंत्र के बारे में बताने वाला या लोकतंत्र की स्थापना करने वाला जो सबसे पहला स्थान है वो हमारा बिहार है। नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपकी 10वीं कक्षा बोधली भाग 2 के पदखंड का एक कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। और इस कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म। इस कविता का नाम है जनतंत्र का जन्म। इसीलिए मैंने आपको शुरू में जनतंत्र के बारे में कुछ सवाल पूछे थे। देखिए, जनतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जनतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। जन माने होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। यानी हम सबों को पता है कि प्राचीन काल में हम लोगों पर शासन करने के लिए राजा का शासन हुआ करता था, जिसे हम लोग राजतंत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग अपने ऊपर स्वयं ही क्या करते हैं, शासन व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, जिसे हम लोग जनतंत्र के नाम से जानते हैं। और इस अध्याय का नाम है जनतंत्र का जन। इसका मतलब है कि प्राचीन समय में हमारे यहाँ जनतंत्र नहीं था, और धीरे धीरे हमने क्या किया, जनतंत्र को स्थापित किया है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग जनतंत्र का जन्म कह सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि प्राचीन काल में राजाओं का शासन हुआ करता था, और हमारे जो राजा थे वे स्वयं अपने आप को एक संविधान समझते थे। उनके द्वारा बोली गई बोली ही संविधान हुआ करती थी, लेकिन उसमें ये असुविधाएँ आती थी कि राजा अपने मन के हिसाब से जनताओं पर रूल करता था और अपने मन के अनुसार से जनताओं के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं स्थापित करता था। और कभी कभी राजा के द्वारा जो है ना इस प्रकार के भी कार्य किए जाते थे जो जनहित के लिए सही नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे राजतंत्र समाप्त हो गया, और हमारे देश में विदेशी जो आक्रमणकारी थे या विदेशी जो व्यापारी थे उन्होंने अपना शासन स्थापित कर लिया, और लंबे समय तक हम लोगों को अपनी गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखा। और उन गुलामी की जंजीर के बाद हमने एक नए अध्याय में प्रवेश किया, एक नए दौर में प्रवेश किया, और वहाँ से हम लोग का शुरू हुआ जनतंत्र का जन्म। तो आज हम लोग इस कविता के माध्यम से जनतंत्र का जन्म के बारे में जानेंगे। और इनके जो रचयिता हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन्हें राष्ट्र कवि के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इन्हें हम लोग राष्ट्र कवि के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी कविताओं में राष्ट्रवाद की भावनाएं कूट कूट करके भरी रहती है। इसीलिए इन्हें हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। किन्हें? रामधारी सिंह दिनकर जी को। इस कविता में हम लोग अपने देश में जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही, अंग्रेजों के शासन से हम लोग उब चुके हैं, और अंग्रेजों के द्वारा हमारा जो लगातार शोषण किया जा रहा है उन शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के माध्यम से भारतीय जनताओं में राष्ट्रवाद फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जो कि इस कविता का रचयिता है उनके बारे में। और आप सबको पता ही होगा कि ये हम लोग का जो पड़ोसी जिला है वहीं से थे, और ये बिहार के ही हैं।
और इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में अपना जो है एक कीर्तिमान स्थापित किए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि इनका जो काव्य परिचय है उनके बारे में। सबसे पहले हम सबको पता है कि जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनका जन्म हुआ है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। याद रखिएगा, इसका डेट ऑफ बर्थ है 23 सितंबर 1908 ईस्वी, जो कि सिमरिया, ये जो सिमरिया है बेगूसराय जिला का एक हिस्सा है, और जो कि बिहार में है। जैसे आप कभी भी पटना की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक पुल आता है जिसको वर्तमान समय में राजेंद्र पुल के नाम से जानते हैं। तो राजेंद्र पुल के ही आसपास का जो एरिया है उसको हम लोग सिमरिया के नाम से जानते हैं, और ये बेगूसराय जिला में पड़ता है। इसका जो अगला साइड है वो मोकामा है, और इस साइड वाला जो हिस्सा वो बेगूसराय है। तो याद रखिएगा कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वो बेगूसराय जिला के कवि हैं। इनकी मृत्यु हुई है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। इनकी मृत्यु हुई है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। इनके पिताजी का नाम है रवि सिंह और इनकी माता का नाम है मनरूप देवी। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है पिता और माता का नाम, तो याद रखिएगा इनके पिता का नाम है रवि सिंह और इनकी माता का नाम है मनरूप देवी। इनकी माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इनके शिक्षा की, तो ध्यान दीजिए कि दिनकर जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो उसके गांव और उसी के आसपास हुई। यानी बेगूसराय का जो एक इंटरियल एरिया है, जो दुर्गम क्षेत्र वाला एरिया है, गांव टाइप का एरिया है, या आप दीरा टाइप का एरिया बोल सकते हैं, उन्हीं में जा करके इनका जो है ना क्या हुआ, शिक्षा हुआ। 1928 ईस्वी में ये मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक की पास किया। जब भी आप मोकामा जंक्शन पे जाओगे ना, तो पूरे जंक्शन पे आपको रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कविताएं दीवार पर अंकित मिलेगी। क्योंकि उसी जो रेलवे स्टेशन है, मोकामा रेलवे स्टेशन, उसी के इर्द गिर्द में एक मोकामा घाट हाई स्कूल है, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल है, अभी भी वो स्थापित है। और इसी मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास यानी हिस्ट्री से बीए ऑनर्स किया, समझे। जब इनकी मैट्रिक परीक्षा समाप्त हो गई तो वहाँ से बगल में ही पटना है, इन्होंने पटना कॉलेज चला गया, और पटना कॉलेज में जाकर के इन्होंने क्या किया, इतिहास से, हिस्ट्री से क्या किया, बीए ऑनर्स किया है, बीए ऑनर्स किया। ये बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। जैसे उस समय हमारा जो यूनिवर्सिटी हुआ करता था वो बिहार विश्वविद्यालय भी एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जो कि अभी बोर्ड बन चुका है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे, और बाद में जो भागलपुर यूनिवर्सिटी है, अभी भी ये भागलपुर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ये कुलपति भी रहे हैं। यहाँ पर क्या रहे हैं? कुलपति भी रहे। इस बात को आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, तो चूंकि ये हमारा सबसे फेवरेट कवि है, इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है मेरे हिसाब से रश्मि रथी है, जिसका कि हम लोग आपको एक बार अध्ययन भी करवाएंगे। चूंकि हमारा इनके द्वारा लिखी गई जो रश्मि रथी है हमारा फेवरेट कविता है। फेवरेट कविता इसलिए है क्योंकि ये महाभारत पर आधारित है, और इसमें हमारे समाज के लिए विभिन्न प्रकार के प्रेरणा का स्रोत है। हम लोग रश्मि रथी को आज के भी संदर्भ में देखें, आज के भी सामाजिक परिवेश के आधार पर देखें, तो निश्चित रूप से हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ रचना है, जैसे प्रणभंग है, रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, कुरुक्षेत्र है, अर्धनारेश्वर है, हरिनाम है, सॉरी हारे को हरिनाम है, उर्वशी है, तिलकुसुम है, ये सब इनकी प्रमुख रचना है। और एक से एक जितने भी टॉप मोस्ट कविता आपको आज के समय में सुनने को मिल रहे हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म पर आप इसको पढ़ते हो, उसमें रामधारी सिंह दिनकर जी का कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी कविताओं की इतनी अधिक हमारे वर्तमान समाज में महत्व है कि कई लोग इनकी कविताओं को पढ़कर आज के समय में उसको स्टारडम मिला हुआ, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है सोशल मीडिया पे। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कविताओं का क्या महत्व है आज भी हमारे जीवन में। अगर हम बात करें
कि प्रस्तुत कविता में इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रस्तुत कविता में इन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कविता है वो उस समय लिखी गई है जिस समय हमारा देश जो है ना गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। अंग्रेजों के जो अत्याचार थे वो दिन प्रतिदिन हम पर अधिक बढ़ रहे थे, और एक तरफ रामधारी सिंह दिनकर देख भी रहे थे कि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत बड़ा वर्ग जो है हमारे देश के, वो अब अंग्रेजों के इस अत्याचार से बुरी तरह से उब चुके हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर अब अंग्रेजों का शासन समाप्त हो जाए और नई लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हो जाए। बस रामधारी सिंह दिनकर जो है उन प्रयास में एक थोड़ा सा चिंगारी भरना चाह रहे थे और उन्हीं को आधार मानकर उन्होंने इस कविता को लिखा है। इसमें वे जनताओं को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई आप लोग जागिए, और जागने के बाद जो लंबे समय से अंग्रेजों के द्वारा आपके ऊपर शासन जो किया जा रहा है उस शासन को उखाड़ फेंकिए और आप स्वयं उस शासन पर बैठिए और यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना करिए। इस कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर भारतीय जनताओं में जो कि लंबे समय से गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है उनमें राष्ट्रवाद भरने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि भारतीय व्यक्ति लंबे समय से जो गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ उससे मुक्त हो सके और यहाँ पर एक नए लोकतंत्र की स्थापना हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन कविताओं के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कहते हैं। और ये जो कविता है वो एकदम सरल भाषा में लिखा गया है, ना ही वज्र है, ना ही इसमें किसी भी प्रकार का अलग अलग प्राचीन भाषा है। चूँकि ये आज से लगभग 100-150 साल के बीच में लिखी गई कविता है, इसलिए इसमें शुद्ध हिंदी का उपयोग किया गया है और उम्मीद करते हैं कि आप भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे और इन्जॉय भी करेंगे। तो चलिए हम लोग कविता शुरू करते हैं। हेडिंग आपको पता ही है कि इस कविता का हेडिंग है जनतंत्र का जन्म, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो लंबे समय से हम लोगों को गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखा गया है, अब उसको हम लोग को समाप्त करना है और अपने ही देश में हम अपने ऊपर स्वयं शासन करने के लिए एक व्यवस्था को स्थापित करना, जिसे हम लोग जनतंत्र के जन्म के नाम से जान सकते हैं। देखिए पहली जो लाइन है वो लिखा गया है कि सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, ठंडी सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह जमय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी ये जो कविता है ना वो अंग्रेजों को संबोधित किया जा रहा है, अंग्रेजों के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन ये भारतीय जनताओं की तरफ से अंग्रेजों को सुनाया जा रहा है। इससे दो काम हो रहा है, एक तो अंग्रेज को एक मैसेज जा रहा है और दूसरा काम हो रहा है कि हमारे जो भारतीय लोग हैं जो लंबे समय से गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है और अब वे गुलामी की जंजीरों में उब चुका है, तो उनमें एक प्रेरणा का स्रोत भी जग रहा है, उनमें एक आत्मविश्वास आ रहा है और उनमें जो है कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं अब हम लोग एक हो चुके हैं और सब मिल करके अंग्रेजों को यहाँ से निपटा सकते हैं, भगा सकते हैं। तो क्या कह रहा है पहला चार लाइन उसको हम लोग समझते हैं। कहता है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, इसका मतलब है कि जो लंबे समय से अंग्रेजों ने जो हम पे अत्याचार किए, अब उन अत्याचार में हम लोग जो पब्लिक थे, हम लोग का जो जनता था वो क्या था कि एकदम पूर्ण रूप से धस चुका था उनके अत्याचार के तलो, लेकिन अब हम लोग उनके अत्याचार से उब चुके हैं। मिट्टी सोने का ताज पहन खिलाती है, जिन जनताओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, अब वो जनता क्या कर रही है अपने ऊपर सिंहासन का सोने का ताज पहन करके इठलाना शुरू कर रही है। करा दो राह जमय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी अंग्रेजों को रामधारी सिंह दिनकर संपूर्ण 30 करोड़ जनताओं की तरफ से कह रहे हैं कि तुम जो है ना समय की आवाज को सुनो और समय जो है ना भारतीय जनताओं को अपने रथ पर बैठा करके तुम्हारे सिंहासन की तरफ बढ़ रहा है और तुमसे तुम्हारा सिंहासन खाली करने को कह रहा है, और हे अंग्रेज
तुम इस समय की आवाज को सुनो, रथ का जो ये घर घर नाद है उसकी आवाज को सुनो, और 33 करोड़ भारतीय जनताओं के लिए तुम सिंहासन खाली कर दो, क्योंकि तुम्हारा टाइम अब समाप्त हो गया है। क्योंकि समय जो है ना अब भारतीय जनताओं के साथ है, और समय भारतीय जनताओं को सिंहासन पर बैठाना चाहती है। चलिए आगे देखिए कितना अद्भुत कविताएं लिखी गई है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है जनता, जनता का मतलब वही जो भारतीय जनता है, उस जो के जिस समय ये कविताएं लिखी जा रही थी उस समय हमारे पूरे देश में कुल आबादी थी 33 करोड़, तो इन 33 करोड़ को संबोधित कर रहा है जनता। इसके बाद देखिए लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि अंग्रेजों ने लंबे समय तक हम लोगों पर इस तरह से शासन किया कि भारतीयों के महत्व को वो कुछ समझ ही नहीं रह पाते थे। हमारे ही देश में रह करके हमारे ही देश में वो पार्टियां करते थे, और वहां पर बड़े बड़े बैनर्स में लिख करके लिख रखते थे कि इंडियन एंड डॉग आर नॉट अलाउड, मतलब भारतीय और कुत्ते इस माहौल में नहीं आ सकते, इस सभा में नहीं आ सकते। हमारे ही देश में पार्टी करते थे, हमारे संसाधन का उपभोग करते थे, और भारतीयों को कुत्तों के समान समझते हुए लिखते थे कि कुत्ता और भारतीयों को यहाँ आना वर्जित है। इसका मतलब है कि वो भारतीय जनताओं को कुछ भी नहीं समझते थे, इसीलिए यहाँ लिखा जनता। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको अंग्रेज एक समय में कुछ भी नहीं समझता था। हाँ, मिट्टी की अबोध मूरत, मतलब अंग्रेजों के अनुसार मिट्टी का एक पुतला है, चाहे आप उसको कितना भी कष्ट क्यों ना दे दो, लेकिन उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। ये कह रहा जनता, जिसको कि आपने एक मिट्टी की मूरत के समान समझते हो, और वैसी मूरत जिसमें आप लाख यातनाएं दे दो, लाख कष्ट दे दो, लाख तकलीफें दे दो, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने मुख से कुछ नहीं बोलती है। जारे पाले की कसक सदा सहने वाली, यानी विभिन्न प्रकार की समस्याओं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से भी अगर वो गिर जाए तो उससे उनका मन विचलित ना हो। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूसने, ऐसा लगे कि पूरे शरीर में कुछ ना कुछ काट रहा हो, संपूर्ण शरीर का अंग कट कट के अलग हो रहा हो, तब भी ना कभी मुंह खोले खोल दर्द कहने वाले, यानी इसके बावजूद भी वो अपने मुख से अपने दर्द के बारे में कुछ भी बया नहीं करता हो। इसका मतलब क्या कि अंग्रेजों के द्वारा लाख अत्याचार भारतीय जनताओं पर किया जाता हो, अंग्रेजों के द्वारा उन पे लगातार अत्याचार किया जाता हो, लेकिन इन अत्याचार के बावजूद भी एक बार भी भारतीय जनता उसको पलट करके जवाब नहीं देती थी, एक बार भी पलट कर भारतीय जनता क्या है उसको जवाब नहीं देती थी। अब लेकिन उन्हीं जनता में साहस आ गया, अब उन्हीं जनता में क्या आ गया, साहस आ गया। कहता जनता, हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसक, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, तो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या कहती है प्रश्न गुड जनता इस पर क्या कहती है। कभी भारतीय जनताओं को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता था, और अंग्रेजों के विरुद्ध में इनकी कविताएं इतना ज्यादा प्रभावशाली हुआ करती थी कि कई बार अंग्रेज इस पे राजद्रोह का भी मुकदमा चलाया, कई बार कविता लिखने के चक्कर में ये जेल भी गए। इसका मतलब है कि इनकी कविताएं डायरेक्ट भारतीय जनताओं के दिल में आकर लगता था, और भारतीय जनताओं में आक्रोश की भावनाएं जागृत हो जाती थी, भारतीय जनताओं में राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो जाती है। अब इस यहाँ पर जो आपका 4 लाइन है इसमें जनता से पूछ रहा है कवि कि जनता, हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसक, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, तो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या कहता है प्रश्न गुड जनता इस पर क्या कहती है। यानी जनता से पूछता है कि आप इतना ज्यादा सहते हो, अंग्रेजों के इतना अत्याचार सहते हो, और इतना सहने के बावजूद भी कुछ नहीं बोलते हो,
लेकिन क्या आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए? हमारे ही देश में आकर के हमारे ही संसाधन पर पल भर कर और हम ही से काम करवा करके और हम ही पे अत्याचार कर रहे हैं, और आप चुपचाप जो है ना इस कदर सह रहे ले रहे हो कि लग रहे हो हम लंबे दिनों से उनके गुलाम हैं। तो भाई इन गुलामी की जंजीरों को आपको तोड़ना पड़ेगा, आप में एक सांस लाना होगा, आप में राष्ट्रवाद पैदा होना करना पड़ेगा, तब जा करके आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं से परे हो सकते हो और अंग्रेजों की जो ये विशाल सल्तनत है इसको आप उखाड़ करके फेंक सकते हो। आगे देखिए कवि कह रहे हैं, मानो जनता हो फूल, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि जनता को एक फूल के समान समझते हैं। फूल समझते हो ना, जो कि भगवान पे भी चढ़ाया जा सकता हो और अगर कहीं कोई मर गया तो उस पर भी चढ़ता हो, समझ रहे ना। कहीं पर महफिल सजी हो तो वहाँ पर डेकोरेशन के लिए हो, ब्रश से ब्रश नेताओं के भी गले में पड़ता हो और ईमानदार व्यक्तियों के भी पास ये रहता है। यानी मानो जनता हो फूल, फूल का मतलब हुआ इसका जैसा मन तैसा दुरुपयोग कर लो, चाहे सही इस्तेमाल करो चाहे गलत इस्तेमाल करो, लेकिन ये कुछ नहीं बोलेगा और उसके इस्तेमाल में आते चला जाएगा। इसे एहसास नहीं, जिसको यह पता नहीं कि जब चाहो तभी उतार, सजा दो दोनों में। यानी जनता को अंग्रेज फूल के समान समझता है, जब मन हुआ इसको तारीफ करके आगे बढ़ा दिए और जब मन हुआ उसको उतार करके फेंक दिए। अंग्रेजों की तो यही नीति थी ना। अंग्रेज क्या करते थे कि अगर मान लो कहीं विद्रोह हो गया तो जो विद्रोही के सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे उसको उठा कर लो यहाँ का तुम सिंहासन पे बैठ जाओ, और फिर वो मौका की तलाश में लगे रहते थे। जो ही उसका विद्रोह खत्म होता था उनके सपोर्टर खत्म होते थे फिर से उसको उतार करके रोड पे दे दिया जाता और उसको अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी भी दी जाती थी कि तुमने एक समय में अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। ये है कि मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमोही, दुधमोही मैंने समझते हो ना, दूध पीता हुआ बच्चा जिसे बहलाने के लिए जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। अंग्रेज भारतीय जनता को या तो क्या समझते हैं, एक फूल के समान समझते हैं जिसे कि अपने मन के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। जब मन है इसे सिंहासन पर बैठा दो, जब मन हो तो इसे सिंहासन से उतार दो। या फिर भारतीय जनताओं को अंग्रेज दूधमोही बच्चा के समान समझता है, यानी दूध पीता हुआ बच्चा के समान समझता है। जब भी बच्चा रोने लगे तो उसको या तो बहला फुसला दो या फिर चार खिलौना या जंतर मंतर इधर उधर की कहानी कह करके उसको बहला फुसला दो। तो अंग्रेज जो है ना भारतीय जनता को या तो फूल समझ रहा है या फिर दूधमोही बच्चा समझ रहा है और इतने दिनों से हमारी पर शासन कर रहा है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं, लेकिन होता भूडल बवंडर उठते हैं, ध्यान सुनिए, करा, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुट चढ़ाते हैं। दो राह चमय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब फिर से उतना होने के बाद फिर से जनताओं में जोश भर रहे रामधारी सिंह दिनकर जी और कह रहे हैं कि जब जनता जागृत होती है, जब जनता को गुस्सा आ जाता है, जब जनताओं में आक्रोश आ जाती है और जब जनता में राष्ट्रवाद की भावनाएं आ जाती है, तो पूरा संसार में, पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में क्या हो जाता, बवंडर मच जाता है, पूरे क्रांति आ जाती है, प्रलय का स्थितियां उत्पन्न हो जाती है और जो राजा है या फिर जो शासन करने वाले होते हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उनका क्या हो जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है। और अब वो समय आ गया है और इसीलिए अंग्रेजों से वो अपील कर रहे हैं कि दो रात समय के रथ के घर के घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी अब यहाँ पर फिर से रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि समय को अब इस बात का पता है कि भारतीय जनता को जितना सहना था ना उतना सह लिया है, अब वो सहने वाला नहीं है, अब उनके अंदर आक्रोश की भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है उठ चुकी है और अब वो है ना संपूर्ण जगत में बवंडर मचाने वाले हैं।
इसीलिए समय उन्हें अपने रथ पे सवार करके अंग्रेजों के सिंहासन की ओर बढ़ रहा है और अंग्रेजों से अपील की जा रही है कि वे उस समय के रथ की घर घर जो आवाजें आ रही हैं उसको सुने और भारतीय जनताओं के लिए सिंहासन खाली कर दें, भारतीय जनताओं के लिए सिंहासन खाली कर दें। देखिए आगे जो दिनकर जी कह रहे हैं इनको सुनकर के आपके भी शरीर में एक उमंग, एक राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो सकती है। करक हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में भी आता हो कहां, जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है, इधर चाहती है काल उधर ही मिलता है। अगर एक बार सभी व्यक्ति या एक बार सभी जनता हुंकार भर देना तो बड़े से बड़े जो महल हैं जिनकी लंबी चौड़ी दीवारें हैं उनकी नींव तक उखड़ जाएगी, उनकी क्या हो जाएगी, नींव तक उखड़ जाएगी। एक बार अगर सभी जनताएं हुंकार भर देना तो बड़े से बड़े महलों की क्या हो जाएगी, नींव उखड़ जाएगी। सांसों के बल, अगर संपूर्ण जनता एक बार सांस लेकर के छोड़ दे शासन के, शासक के आगे में जाकर, तो शासक का जो सर पे ताज है ना वो हवा में उड़ जाएगा, उसका जो ताज है ना वो हवा में उड़ जाएगा। जनता का रास्ता रोकने की ताकत स्वयं समय में भी नहीं है, इस बात को याद रखना कि जनता की जो राह है ना उसको रोकने की ताकत समय में भी नहीं है, क्योंकि जनता जिधर जाती है समय को भी उधर आना पड़ता है, जिधर जनता जाती है उधर क्या है, समय को भी आना पड़ता है। और अभी जनता का जो मोमेंट है, जनता का जो भावनाएं हैं वो अंग्रेजों के बिल्कुल विरोध में है और जनता चाह रही है कि अंग्रेज अब यहाँ से चले जाए, इसीलिए समय उसे अपने रथ पर बैठा करके अंग्रेजों के सिंहासन की ओर बढ़ रहा है और अंग्रेजों को इस बात को समझना होगा कि उनके लिए अब सिंहासन खाली करनी होगी। चलिए आगे देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं। करा अब तो शताब्दी सहस्त्रवाद का अंधकार, यानी दिन महीने साल सैकड़ों साल इन सभी का जो अंधकार है, मतलब लंबे समय से जो हमारे भारतीयों के बीच में जो एक अंधकार का माहौल रहा है, एक शोषित समाज रहा है, अंग्रेजों के गुलामी करने वाला समाज रहा है, एक असभ्य अशिक्षित मूढ़ हमारा जो समाज रहा है, अब उसका समापन होने वाला, अब उसका समापन होने वाला। बीता गवाक्ष, देखिए क्या कह रहे, बीता गवाक्ष अंबर के दहक जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमरते आते हैं। यानी अगर सदियों से अंधेरा हो तो कुछ भी नहीं है, जब जनता जागृत होती है तो अंधेराएं धीरे धीरे छटने लगती है। अब जनतंत्र जो है ना जनताओं के सपनों में आ गया और जनता अब अपने सपनों में ये देख रही है, ये परिकल्पना कर रही है कि आसमान का सीना फार करके जनतंत्र उनके सामने आ रहा है और इस स्वप्न को अब साकार करने का समय हो गया, इस सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ गया, इसीलिए अब क्या करना है कि अंग्रेजों को अपने मन से सिंहासन खाली कर देनी हो गई और अब इस पे जनता का क्या होगा, राज अभिषेक होगा। चलिए आगे देखते हैं उसी को डिस्क्राइब करके रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 करोड़ हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर मुकुट धरो। यानी रामधारी सिंह दिनकर अंग्रेज से कहते हैं कि दुनिया के सबसे विशाल जनतंत्र का समय आ चुका है, दुनिया, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत में रह रही थी उस समय और इतने लोगों को जो है ना अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाकर रखा गया था, इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे विशाल जनतंत्र का अब समय आ गया है। दुनिया का जो एक बहुत बड़ा विशाल भाग, बहुत बड़ा भूभाग जो कि लंबे समय से गुलामी की जंजीर में बंधा हुआ है, अब वहां पर जनतंत्र का समय आ चुका है और अंग्रेज से अपील की जा रही है
33 करोड़ जनताओं के लिए सिंहासन तैयार करो, यानी 33 करोड़ जो भारतीय जनता है जिन्हें आपने लंबे समय से गुलामी की जंजीरों में बांध कर रखे हैं, उसके लिए सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, यानी इतने दिनों से आपने इस सिंहासन पर राज किया, अत्याचार किया और विभिन्न प्रकार की विधि व्यवस्थाओं को संचालित किया, लेकिन आज आपका अभिषेक नहीं होगा, आज यहाँ पर जनता का अभिषेक होगा। 33 कोटी जनता के सिर पर मुकुट धरो, और जो 33 करोड़ जब भारतीय जनता हैं, जिन्हें आप लंबे समय से ठगते आ रहे हैं, जिन्हें आप लंबे समय से शोषित करते आ रहे हैं, उनके सिर पर मुकुट धरना, उसके सिर पर सिंहासन रखना है, सिंहासन पर उनके बैठाना, उनके सिर पर मुकुट धरना। आगे देखिए लास्ट में क्या कहते हैं, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिर मस्जिद राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों और खलियानों में। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये पंक्तियां है ना, ये आज के समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत माना जा सकता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। रामधारी सिंह दिनकर आज से 150 वर्ष पहले अंग्रेज जिस समय अपनी चरम सीमा पर थे, अपने अत्याचार का एक परचम यहाँ पे लहरा रहे थे और भारतीयों का लगातार शोषण कर रहे थे, उस समय रामधारी सिंह दिनकर जिसे हम राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, उनका एक चार लाइन है जो कि वर्तमान समय समाज के लिए भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है, किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। क्या कह रहा है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिर राज प्रसादों तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। आज के भी समय में लोग क्या कर रहे हैं कि कर्म नहीं कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, हिंदू अपने देवी देवताओं के बढ़ावा देने में लगे हैं, मुस्लिम को लगता है उनका धर्म श्रेष्ठ है, ईसाई को लगता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, और सिख जो है वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगे रहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सभी धर्म के जो प्रवर्तक हुआ करते थे, जो श्रेष्ठ देवता है, जैसे आप भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण जी का कहना था कि पूजा का मतलब ये नहीं होता कि हाथ जोड़कर हमसे विनती करो, आप हमारे लिए हवन करो, आप हमारे लिए उपवास रखो, आप हमारे लिए फल चढ़ाओ, मांगे मांगे सामग्री जुटाओ, अगर आप सच्चे कर्म करते हैं तो ये सबसे बड़ी पूजा है। आप मानव को बढ़ावा देने के लिए, मानव के हित के लिए, मानव समाज की रक्षा के लिए, मानव समाज के उत्थान के लिए एवं विभिन्न प्रकार के प्राणियों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी पूजा होती है। लेकिन वर्तमान समय में लोग क्या कर रहे हैं, भगवानों को मंदिर में जाकर ढूंढते हैं, भगवानों को मस्जिद में जाकर ढूंढते हैं, भगवानों को गिरजाघर में जाकर ढूंढते हैं, भगवान को चर्च में जाकर ढूंढते हैं, लेकिन कभी कहते हैं कि सच्चे भगवान का दर्शन ना तो आपको मंदिर में होगा, ना मस्जिद में होगा, ना गिरजाघर में होगा, ना गुरुद्वारा में होगा। अगर आप सच्चे भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको सड़कों के किनारे पत्थर तोड़ रहे मजदूर के रूप में मिल सकते हैं। अगर आप सच्चे भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको ठंडे मौसम में, बरसात के मौसम में, कड़कती धूप में, खेतों में काम करते हुए किसान के रूप में मिल सकते हैं। इस बात को कवि ने संबोधन किया है। आगे देखिए क्या रहा कवि, के फावड़े और हल राजदंड बनने को, फावड़े और हल राजदंड बनने को, फावड़े और हल राजदंड बनने को। फावड़े का मतलब होता है कुदाल, आज के समय में होता है ना, किसान जिससे खेत को कोड़ता है, और हल का मतलब है जिससे किसान खेत को जोतता है। तो फावड़े और हल राजदंड बनने को, राजदंड मैंने क्या कि राजा के यहाँ पर, जैसे कि अभी हमारे यहाँ राजदंड में बड़े बड़े तोप रहता है, जो मान लो कोई बड़े व्यक्ति का निधन हो गया तो उसको क्या होता कि राज्य के द्वारा सलामी दी जाती है, तो तोप की सलामी होती है, बंदूक से सलामी होती है। तो ये हमारा विदेशी सभ्यता का प्रचलन है, वास्तव में हमारा जो राजदंड होना चाहिए ना वो फावड़े और हल होना चाहिए। हमारा जो राजदंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फावड़े और हल होना चाहिए। और अंग्रेज को भी ये नसीहत दी जा रही है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कि आपका जो ये लंबा लंबा जो राजदंड है जिसमें आप तोप रख रहे हो, बंदूक रख रहे हो, बड़ी बड़ी मिसाइलें आप रख रहे हो, ये सब क्या है, राजदंड नहीं होगा। अब राजदंड क्या होगा, फावड़े और हल राजदंड बनेंगे।
दुसरता सोने में सिंगार सजती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाथ सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यानी अब जो है ना फावरे और हल राजदंड बनेंगे और इनको चलाने वाले सिंहासन का असली हक हकदार होंगे। इनको चलाने वाले यानी जो फावरे चला रहे हैं, जो हल चला रहे हैं, यानी किसान है, जो मजदूर है, वो वास्तव में अब राज सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। राज सिंहासन पर उसको बैठने का अधिकार होगा और अब समय भी इन्हीं लोगों के साथ है और समय इन्हें अपने रथ पर बैठा करके अंग्रेजों के सिंहासन की ओर बढ़ रहा है। और अंग्रेज से रामधारी सिंह दिनकर जी अपील कर रहे हैं कि आप समय के रथ के जो घर घर नाद की आवाज है उसको सुने और 33 करोड़ भारतीय जनता जिसको कि आपने लंबे समय से शोषण करते आ रहा है, लंबे समय से कि आपकी वेदनाओं को सहते आ रहे हैं, उनके लिए आप सिंहासन को खाली कर दें और आज के बाद यहाँ का जो राजा होगा वह जनता होगा और यहाँ पर जनतंत्र का जन्म होगा। तो इसी के साथ हमारा जो ये कविता है गोदली फागदो का पदखंड बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा का एक अद्भुत कविता था जिसको कि हम लोग अध्ययन कर लिए। उम्मीद करेंगे कि आपको ये कविता बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप कविता ऊपर में अच्छे से पढ़े होंगे तो उम्मीद करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आपको क्वेश्चन आंसर में कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। और क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ समझा दे रहा हूँ, इसका PDF भी अवेलेबल है, या तो आप कोचिंग के ऑफिस से ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है ना इसका हम लोग स्टाफ को बोलते हैं कि इसका जो आंसर वो डाल दिया जाए, या फिर आप प्रेरणा के कोचिंग सेंटर का जो एडुकेशनल ऐप है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जो हिंदी बैकअप क्लास दिया गया है जो बिल्कुल फ्री होगा वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका आंसर जो लिखा हुआ आंसर होता है। फिलहाल अगर आप अच्छी तरह से कविता सुने होंगे और अभी मैं फिर से इसका आंसर बता रहा हूँ, इन दोनों को ध्यान में रखोगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं से भी लिख सकते हो, फायर कर सकते हो। और इसके बावजूद भी अगर सही नहीं हो पाए तो आप निश्चित रूप से PDF ले सकते हो। पहला सवाल है कि कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है। देखिए कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद का मतलब होता है कि लंबे समय से अंग्रेजों ने भारतीय जनताओं को अपना गुलाम बना करके रखा है और लंबे समय से भारतीय जनता अंग्रेजों की गुलामी को सहते सहते अब उनसे उब चुका है और सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं, सभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो चुकी है और ये सभी अब मिल करके अंग्रेजों से सिंहासन छीनना चाहते हैं और इस काम के लिए समय भी जो है ना भारतीय जनताओं का साथ दे रहे हैं और समय जो है ना भारतीय जनता को अपने रथ पर बैठा करके अंग्रेजों के सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं। और कभी कह रहे हैं कि अंग्रेज तुम समय के रथ की जो आवाज़ है ना उसको सुन लो, वे अपने रथ पर 33 करोड़ भारतीय व्यक्तियों को बैठा कर तुम्हारे सिंहासन की ओर बढ़ रहा है और तुम जो है ना इन भारतीय जनताओं के लिए सिंहासन को खाली कर दो, भारतीय जनताओं के लिए सिंहासन को खाली कर दो। तो इसका आंसर होगा कथा कविता के आरंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करते हैं। देखिए अब कविता का आरंभ का मतलब है कि हम एक बार कविता पर आपको जाकर दिखा दे रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कविता का आरंभ में क्या कह रहा है। देखिए कविता के आरंभ में कवि क्या रखा रहा है कि लंबे समय से भारतीय जनता जो है ना वो गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था जिसके कारण वो सुस्त पड़ चुका था, उनका मन जो है ना पूर्ण रूप से शिथिल हो चुका था, उन्हें लगता था कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अब अंग्रेजियों की ही गुलामी करनी है। लेकिन एकाएक उनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो गई और उनमें अंग्रेजों की जो गुलामी वाला सिस्टम है इसको तोड़ फेंकने का एक जज्बा आ गया, जिसके बाद उन सबों में राष्ट्रवाद आई, उन सबों में एकता आई और जब इस प्रकार का माहौल बनाना तो समय भी क्या किया, उनको अपना समर्थन दिया और समय जो है ना धीरे धीरे
अंग्रेजों से अपील करने लगा कि भाई अब आपका टाइम खत्म हो गया है, आप कृपया करके देश छोड़ करके जाए, चूंकि अब यहाँ पर एक नए जनतंत्र की स्थापना होगी और यहाँ का जो राजा होगा ना स्वयं यहाँ के 30 करोड़ पब्लिक होगा, यहाँ के जो 30 करोड़ नागरिक हैं, यहाँ के जो 30 करोड़ जनता हैं, जिन्हें आप दुधमुही बच्चों के समय तरह या फूल के समान समझते हैं, अब उनका क्या होगा, राज अभिषेक होगा। ये कविता के प्रारंभ में कवि कह रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल या दुधमुही बच्चों की तरह है और क्यों, कवि क्या कहकर को उसका प्रतिवाद करता है। देखिए कवि के अनुसार फूल या दुधमुही बच्चों के समान भारतीय जनता है, जिसे अंग्रेजों के द्वारा लंबे समय से ठगता आ रहा है। अंग्रेज उसे फूल के समान समझ रहे हैं क्योंकि उनको जब मन होता है उसे टॉप पे चढ़ा देता है और जब मन हुआ तो वहां से उतार करके उसको फेंक दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, उसको फूल के समान समझ रहा है। फूल का क्या काम है कि कभी उसको सिंहासन पे चढ़ा दिया जाता है तो कभी उसको पैरों के तले रौंदा दिया जाता है, कई बड़े बड़े लोग आते हैं तो जमीन पे बिछा दिया जाता है, लोग उस पे चढ़ के आते हैं, और कभी कभी आप देखते हैं कि उस फूल को भगवान के भी सर पे चढ़ा दिया जाता है, समझे। बचपन में मैंने कविता पढ़ा था पुष्प की अभिलाषा, बहुत सारे लोग भी पढ़े होंगे जो कि सीनियर क्लास के होंगे, जिसमें फूल जो है ना अपने मन की व्यथा को लोगों के सामने प्रकट कर रहे थे कि मैं उस उनका सार ये था कि मैं फूल हूँ और लोग हमें कभी भगवान पे भी चढ़ा देते हैं और कभी पैरों के तले भी बिछा देते हैं। तो ये बात है, और यहाँ पर जो है ना कभी भी फूल को क्या कर रहा है, एक मतलब भारतीय जनताओं को फूल के समान समझ रहा है, जब मन हुआ उसे टॉप पे चढ़ा दिया और जब मन हुआ उसको उतार दिया, या फिर वे भारतीय जनताओं को दुधमुही बच्चों की तरह समझते हैं। दुधमुही बच्चों की तरह मतलब होता है कि जब मन हुआ उसको बहला फुसला लो, चार खिलौना दे दो, जंतर मंतर दिखा दो और किसी तरह से अपना काम चला लो, और फिर से उसे लंबी लंबी चौड़ी समय के लिए गुलामी की जंजीरों में झोंक दो। ये काम कर रहा है कौन, अंग्रेज, किसके साथ, भारतीय जनताओं के साथ। ये 3 नंबर क्वेश्चन था। अरे कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। देखिए कवि जनता के स्वप्न का चित्र काफी अद्भुत तरीकों से खींचता है। कवि के अनुसार कह रहा है कि भारतीय जनताओं के स्वप्न में ये दिखाई पड़ा कि आसमान का सीना फाड़ करके विशाल जनतंत्र जो है ना भारत में प्रकट हो गया और इसका लाभ ये अब भारतीय जनताओं में एक आशा आ गई, क्योंकि भारतीय जनताओं ने ये परिकल्पना कर ली। और आप सबको पता होगा कि हम अब परिकल्पना से ही रचना होता है, परिकल्पना से ही रचना होता है। तो आप सबों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक आप परिकल्पना नहीं करोगे तब तक आप रचना कर ही नहीं सकते हो। यानी आप अपने भी जीवन में स्वप्न देखिए और एक बार अगर स्वप्न देख लिए तो उस स्वप्न को, उस सपनों को हकीकत बनाने के लिए पूर्ण जीवन लगा दीजिए, पूर्णता 100% अपना एफर्ट लगा दीजिए, समझे ना, और उस सपनों को हकीकत बना करके दिखाइए। यही बात हो गया कहाँ पे, कविता में। कवि क्या किया कि जनता के, कवि के अनुसार जनता के स्वप्न में आसमान का सीना फाड़ करके विशाल लोकतंत्र आ गया और पब्लिक ने इस परिकल्पना को हकीकत मान लिया, और हकीकत मान करके उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के जो यहाँ शासन है उसको यहाँ से हटाने का प्रयास करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हुई और अंततः अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा। इस बात को ध्यान में रखना। कर अब विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है, कभी किनके सिर पर मुकुट धरने की बात कर रहे हैं। देखिए विराट जनतंत्र का स्वरूप का मतलब होता है कि 33 करोड़ भारतीय व्यक्तियों को अंग्रेजों के द्वारा लंबे समय से, कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से गुलामी की जंजीरों में बांधकर रखा गया है। अब यहाँ की जो भारतीय जनता है वो पूर्ण रूप से अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर से उब चुका है, अब उनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो गई है, अब उनमें गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंकने की इच्छाएं जागृत हो गई है, जिसके कारण समय भी इनका समर्थन कर रहा है और समय इन्हें अपने रथ पर बैठा करके
अंग्रेजों के पास ले जाकर के अंग्रेजों को सिंहासन से दूर जाने के लिए कह रहा है। इसी को कवि ने विराट जनतंत्र का स्वरूप दिया। चूंकि अगर 33 करोड़ व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिलती है तो इसी को हम लोग विराट जनतंत्र के नाम से जान सकते हैं, इसी को हम लोग विराट जनतंत्र कह सकते हैं। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? अब मैंने आपको बताया है कि आज के समय में जो हमारा समाज है ना, यहाँ पर लोग भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर विभिन्न प्रकार के स्थानों में जाते हैं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थानों में जाते हैं। लेकिन अगर सच्चे में आपको भगवान का दर्शन करना हो ना, तो आपको सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते हुए मजदूर के रूप में आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। कड़ी धूप में, ठंड के समय में, बरसात में, खेतों में काम करते किसान के रूप में आप सच्चे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो कवि के अनुसार सच्चे भगवान का दर्शन कहाँ होगा? या तो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते हुए मजदूर के रूप में, या फिर गर्मी, ठंडी या बरसात के समय में कड़ी मेहनत करता हुआ, खेत में काम करता हुआ किसान के रूप में। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि लोग भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर एवं गुरुद्वारा जाते हैं। लेकिन सच्चे भगवान का दर्शन आपको ना तो मंदिर में हो सकता है, ना मस्जिद में हो सकता है, ना गिरजाघर में हो सकता है। आपको सच्चे भगवान का दर्शन सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रहे मजदूर के रूप में होगा। विभिन्न प्रकार के भीषण गर्मियों में, ठंडे मौसम में या फिर बरसात में कड़ी मेहनत करता हुआ आपको किसान के रूप में सच्चे भगवान का दर्शन हो सकता है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन था। कथा कविता का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट करें। देखो, कविता का मूल भाव ये है कि लंबे समय से जो भारतीय जनता अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बढ़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था, धीरे धीरे अब उनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत होने लगी है और भारतीय जनता गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकना चाह रही है। जो जनता अत्यंत कष्टदायी यातनाओं को सहने के बावजूद भी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ नहीं बोल पाती थी, आज उनमें एक नई चेतनाएं जागृत हो गई है, उनमें एक नया आत्मविश्वास उत्पन्न हो चुका है और इनका लाभ उठा करके समय भी क्या कर रही है, उसको समर्थन दे रही है और समय उन्हें अपने रथ पर बैठा करके उसे सिंहासन के करीब ले जा रही है और अंग्रेजों से अपील की जा रही है कि वो 33 करोड़ भारतीय जनताओं के लिए सिंहासन को खाली कर दे। तो यानी पूरे कविता का जो मूल भाव है आपका यही होगा। देखिए, कह रहा है कि व्याख्या करें। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी व्याख्या करें, लिखा रहे, तो चाहे आप 12 में हो तो 12 के बुक के अनुसार, और अगर 10th में हो तो 10th के बुक के अनुसार उसको अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है कि सदियों की ठंडी, और है, चलिए दो है, एक बार देख ले रहे हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, इसका व्याख्या करना है। इसमें हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 के काव्य खंड से लिया गया है, जो कि जनतंत्र का जन कविता पाठ से संकलित है और इस पाठ के रचयिता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से दिनकर जी कहते हैं कि जो जनता लंबे समय से विभिन्न प्रकार की यातनाएं, वेदनाएं अंग्रेजों के द्वारा सहती आ रही थी, अब धीरे धीरे उनमें राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हो गई है और वे अब लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं और वे गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंकना चाहते हैं और अब वो अंग्रेजों को सिंहासन से हटाकर उस सिंहासन पर स्वयं बैठने के लिए ललक रहे हैं। तो इसका मूल भाव आपको ये होता है। देखिए, दूसरा जो हमारा है कि हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ती है, जनता की रोके राह समय में ताव कहां, वह जिधर चाहती है काल, काल में होता है समय, उधर ही मुड़ जाती है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि अगर आप में यूनिटी हो, अगर आप में एकता हो, अगर आप एक साथ हुंकार भर दें
बड़ी से बड़ी जो कठोर महलें हैं जिन्हों देख करके आप कांप जाते हो, जिन्हें देख करके आपको लगता है कि आप काफी इसके विपक्ष में कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो उनकी भी जो महलों की जो ना वो हुंकार से आपका उखड़ जाएगा। आप एक बार सांस भर करके सभी जनता सिंहासन पे जाकर के अपने शासकों के आगे मुझे छोड़ देना, तो सिंहासन के सर पर जो शासन का ताज है ना वो हवा में उड़ जाएगा। जनता की रास्ता रोकने की ताकत स्वयं समय में भी नहीं है, और जनता जिधर जाएगी ना समय को भी मजबूरन धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आना पड़ेगा, जो कि इस कविता के माध्यम से दिखाया भी गया है। तो इस तरह से हमारा जो ये कविता था जनतंत्र का जन्म ये समाप्त हुआ। और अगर इस कविता के संदर्भ में आपको कोई भी कठिनाइयां हो या कोई भी लाइन आप समझ नहीं पा रहे हैं या कोई भी क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं बन पा रहा है या कोई एक्स्ट्रा भी टॉपिक है तो आप इसको हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं। मैं अलग से इसके लिए स्पेशल टॉपिक के द्वारा उसको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप संपूर्ण 10th और 12th बिहार बोर्ड का तैयारी करना चाहते हैं और टॉपर बनना चाहते हैं, पूरे बिहार में अपना नाम स्थापित करना चाहते हैं और अच्छे मार्क्स से एग्जाम को पास करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारे प्रेरणा कोचिंग सेंटर का एडुकेशनल ऐप जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर लेना है, जहाँ पर मैं आपको संपूर्ण कोर्स का एक बेहतरीन तैयारी और अपने एक बेहतरीन टीम के साथ करवाऊंगा और हम हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। फिर से मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप